दोस्तों चीते की बात करें तो ये जानवर अपनी तेज रफ्तार और फुर्ती के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, क्योंकि इसके जैसी कमाल की रफ्तार किसी भी दूसरे जानवर के पास नहीं है। और बात करें तेंदुए की तो ये भी बहुत ही ज्यादा फुर्तीला और चालाक होता है, क्योंकि ये पेड़ों पर बैठे बंदरों को भी आसानी से अपना शिकार बना लेता है। वहीं जेगुआर की बात आती है तो ये इसकी ताकत के लिए जाना जाता है, क्योंकि अपनी ताकत के दम पर पानी में जाकर मगरमच्छों तक को अपना शिकार बना लेता है। लेकिन चीता, तेंदुआ और जेगुआर, इन तीनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? आज के इस वीडियो में हम यही सब जानने वाले हैं, और साथ में ये भी पता करेंगे कि इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये तीनों शिकारी दिखने में बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम चीता, जेगुआर और तेंदुए में अंतर जानेंगे। चीता, अगर चीते की बात करें तो इसके शरीर पर भी तेंदुए और जेगुआर की तरह ही पैटर्न बने होते हैं, लेकिन चीते की खोपड़ी बहुत ही छोटी होती है और इनकी आंखों से काले रंग की लकीरें भी निकली होती है। इसके अलावा चीता लंबा शरीर वाला व लंबी टांगों वाला होता है, जिससे आप इसको आसानी से पहचान सकते हो। तेंदुआ, अगर बात करें तेंदुए की तो इनके शरीर पर बने पैटर्न चीते के शरीर पर बने पैटर्न की तरह ही होते हैं, लेकिन इनकी खोपड़ी चीते की खोपड़ी की तरह छोटे आकार की नहीं होती है और इनके चेहरे पर आंखों से निकली लकीरें भी नहीं होती है। इसके अलावा तेंदुआ लंबे शरीर वाला न होकर मध्यम आकार वाला होता है, जिससे इसमें भी आसानी से अंतर किया जा सकता है। जेगुआर, तो चलिए अब जेगुआर में भी अंतर जान लेते हैं। जेगुआर में सबसे बड़ा अंतर तो ये होता है कि ये चीता और तेंदुए के मुकाबले बहुत बड़ा होता है, साथ ही इसके शरीर के धब्बेदार पैटर्न भी चीते और तेंदुए के शरीर पर बने पैटर्न से बहुत बड़े होते हैं, और उन पैटर्न के बीच में गैप भी बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा जेगुआर की पूंछ छोटी व पैर बोने आकार के होते हैं, और इन सभी चीजों की वजह से आप जेगुआर को आसानी से पहचान सकते हैं। चीता, तेंदुआ और जेगुआर में अंतर जानने के बाद अब हम इनकी साइज और ताकत की बात करते हैं। तो एक चीता लगभग 60 किलोग्राम तक वजनी होता है और 1.5 मीटर लंबा व 70 से 90 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है। दोस्तों इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी रफ्तार होती है, क्योंकि ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से दौड़ते हैं। लेकिन चीतों की प्रजाति अब संकटग्रस्त है, क्योंकि चीते अब अफ्रीका में ही थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं, हालांकि ईरान के अंदर भी गिने चुने चीते बचे हुए हैं, और इसी कारण चीतों को संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। दोस्तों अगर बात करें तेंदुए की तो तेंदुआ 60 से 70 किलोग्राम तक भारी होता है, और इसकी लंबाई 1.4 मीटर व ऊंचाई 60 से 70 सेंटीमीटर तक होती है, और तेंदुए जमीन पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं, लेकिन ये पेड़ों पर बहुत ही फुर्ती से चढ़ते हैं। तो अब आखिर में जेगुआर की बात करेंगे। जेगुआर 2 मीटर तक लंबे होते हैं और 63 से 73 सेंटीमीटर तक ऊंचे भी होते हैं, लेकिन जेगुआर की दौड़ने की गति बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि जेगुआर अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसानी से दौड़ लेते हैं, और जेगुआर भी तेंदुओं की तरह ही पेड़ों पर भी आसानी से चढ़ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी ये पानी के भी अच्छे तैराक होते हैं, जिससे कि ये चीते और तेंदुए के मुकाबले और भी ज्यादा बेहतर होते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने चीता, तेंदुआ और जगुआर के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ ली और इन तीनों में से जगुआर सबसे बड़ा व शक्तिशाली होता है और फिर उसके बाद तेंदुआ दूसरे नंबर पर आता है और तीसरे व सबसे आखिर में चीते का नाम आता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इन तीनों से जुड़ी जानकारियाँ पसंद आई होगी। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।